चलो। मुझे आई वॉज देयर फॉर द प्रेस मीट एंड मैंने सब लड़कियों को देखा है, सब अलग अलग स्टेट ऑफ इंडिया से हैं एंड आई एम श्योर कि उन लोग जो कुछ भी अपना प्रेजेंटेशन करने वाली है, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड 100% अच्छा ही होगा। आई विश ऑल द बेस्ट, दे वर ऑल प्रिटी लुकिंग, वेरी स्वीट गर्ल्स। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी जीतेगा कौन, क्योंकि उसमें से मुझे एक दो फेसेस बहुत अच्छे लगे थे। सो आई एम ग्लैड आई एम इन द ज्यूरी, आई एम गोइंग टू टेक द फाइनल डिसीजन फॉर द क्राउन। सो मे द बेस्ट वन विन। मेरे हिसाब से अगर कोई लड़की क्राउन जीतना चाहती है तो शी हैज़ टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। हर लुक सर 19-20 ठीक है, एज इट इज़ खुशी ने बोला, कलर लुक्स एज इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हर कॉन्फिडेंस, हर प्रेजेंटेशन, और जब उसको कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब वो कैसे देती है, उसके अंदर कितना कंपैशन है और कितना औरतपना है, वो बहुत ज़रूरी है। एनी परफेक्ट वुमेन शुड हैव द कंपैशन, लव एंड केयर फॉर सोसाइटी। अगर ये चीज़ें होंगी तो मैं ज़रूर उसको प्राउड कराऊंगी। Trailer was very impressive.
Azuddin, she is really, really looking like Bhakri. And of course, Amrita is adding her charm to it. So, I know this project very early. I've been shooting for it almost since February. So, I was very keen to see the look. When the first teaser launch was launched, I saw it myself. I was so impressed with it. And then when Amrita was approached for it and she signed it, we were definitely very happy and proud. एक आखिरी सवाल, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, जस्ट एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये मूवी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बहुत हो रही है और कहा जा रहा है कि सेंसरशिप को लेकर कोई जवाब नहीं होगा, हम सेंसरशिप को नहीं मानते, ये कितना फेयर होगा? इसके पहले भी मूवी आई है, सेंसरशिप मस्ट है. सो व्हाट यू लाइक टू से ऑन दैट? Okay, so I'm the wrong person to ask this question because I don't even know ki content kya hai. So ye sawal aapko Nawazuddin ji se karna chahiye, mujhse nahi. Kya aapne fifth entertainment ki part hai inter, kya aapke suggestion hai is pe hona chahiye, sahi chahiye, manna chahiye ki nahi manna chahiye, because of political reason ye nahi manna chahiye? Dekhiye, mujhe lagta hai ki एक सच कहानी को सच्चाई से पेश करना चाहिए. ऐसे बहुत सारी सच्चाई कहानी है जिसमें कट हो रही है, कट करना पड़ रहा है. वो तो बोर्ड का फैसला है, पर अगर डायरेक्टर उसे दिखाना चाहिए तो आई थिंक, एंड इफ द सेंसर इज ओके विद इट, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम. बट अगर सेंसर को काटना ही है देन नोबडी कैन स्टॉप इट, यू नो. बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि एक कहानी को जितनी सच्चाई से दर्शकों तक पहुंचाया जाए वो ही बेस्ट रहेगा. इट विल जस्टिस टू द स्टोरी. थैंक यू, थैंक यू. जब नजर से मजा आ गया. अच्छा लगा, ताली मिला लीजिए प्लीज. सो मेरे बहुत सारे गाने हैं यूट्यूब पे भी, अगर यश मिला लिया आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे. ऐसे आप ब्लेसिंग रखना और पानी मेरी कुछ तारीफ करें. गरम गरम गाना हो पंकज का और जो भी है पावन मजेदार गाना सुनाएंगे. और यस मेरे सिंगर आइए, मेरे पास पोजीशन नहीं है, कोई बीट नहीं है, मैं थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज. ओके जस्टिन, सबसे पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो. थैंक यू. के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन? आई थिंक परफेक्ट वुमन, चाहे मुझे लगता है कि चाहे वो यू नो बॉडी उनकी जैसी भी हो, चाहे वो मोटी हो पतली हो, जैसी भी है, हर औरत बहुत ही ब्यूटीफुल है. और हर खूबसूरत लड़की जिसके लिए ये परफेक्ट वुमन कहा जाता है, आई थिंक वो यही मैं कहना चाहूँगी कि कोई हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कोई पतली है मोटी है जैसी भी है. एवरी वुमन अकॉर्डिंग टू मी इज ब्यूटीफुल. देखिए, बिग बॉस के घर को मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि श्रीशांत एंड दीपिका फिनाले तक पहुँच गए हैं. एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. मेरे दिल से इच्छा है कि श्रीशांत जीते, लेकिन दीपिका भी अगर जीतती है तो उतनी ही खुशी होगी. लेकिन आप वहाँ पे क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे यहाँ आना था. एंड कोई बात नहीं, वहाँ नहीं तो मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ आकर भी मुझे उससे ज़्यादा खुशी हो रही है. दोनों में से कौन सबसे बड़ा दावेदार लगता है आपको?
देखिए मुझे लगता है श्रीशांत की जैसी जर्नी रही है, उन्होंने काफ़ी कुछ सुना है और जिस तरह से उनका पेशेंस लेवल ग्रो हुआ है गेम में, बहुत बातें सुनने के बाद भी, जैसे मेरे बारे में बहुत बातें कही थी, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आप एक घर के अंदर बंद हो और इस तरह की बातें जब आपको सुनाई देती हैं, तो आई थिंक उन्होंने जिस तरह से मैनेज की चीज़ों को, मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो ट्रू विनर है और वो ही होने चाहिए। जैसे इसके बाद आप कहाँ पे दिखाई देने वाली हैं, क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? बहुत सारे गाने होंगे, बहुत सारे गाने गाऊंगी, बहुत सारी मूवीज होंगी, तो इसी तरह मैं सबको एंटरटेन करूंगी। देखिए इट वॉज वेरी शॉकिंग बिकॉज ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाहर आने के बाद इस बात का इतना बड़ा मुद्दा बन चुका होगा एंड जिस तरह से मेरी फैमिली भी काफ़ी अपसेट थी, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था जब मैं घर के अंदर थी कि क्या हो गया है यू नो बाहर, बट बाहर आके ऑफकोर्स बहुत सारे मेरे जो सपोर्टर्स हैं, जो भी फैंस हैं, उनको पता है कि जस्मीन कैसी है और यू नो अलहटपन है या बचपना कह लो, वो एक मजाक था जो मैंने स्टेज पे किया था एंड मुझे पता है कि मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो समझेंगे इस बात को। नहीं उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आई थिंक उनका ये मजाक बंद करने का एक तरीका होगा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। आपके लिए परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन क्या है, आज के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जय जीव रानी, मेरे हिसाब से परफेक्ट वुमन वो है जिसकी हेल्थ अच्छी है, जो साउंडली सोच पाती है, फिर चाहे वो जो मर्जी करे, ये उसकी चॉइस है वो क्या काम करती है, लेकिन सबसे पहले आई थिंक हेल्थ और माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैम आज जो विनर होंगी उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें स्पेशली जीतने के लिए? जैसे ब्यूटी बहुत ज़रूरी होती है फिजिकल एंड चेहरे की, वैसे ही माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर इंसान ब्यूटी विद द माइंड का कॉम्बिनेशन हो तो वो परफेक्ट वुमन कहलाई जाती है। ओके मैम, अभिषेक जी बहुत टाइम बाद आए, खुश अभिषेक जी कितना कल आपने देखा है, कितना अच्छा लगा आपको, क्या कहना चाहिए, बहुत टाइम बाद आए हैं। कृष्णा ऑल टाइम हिट एक्टर है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छे एक्टर के लिए, जैसे रागिनी मेरी बेटी है और गोविंदा मेरा भाई है, तो अच्छे एक्टर के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, वो जब भी आता है तो छा जाता है, तो हमारी फैमिली छाने के लिए बैठी है। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू यू नो गिव अवार्ड्स टू दी वुमेन हु आर अचीविंग सो मच इन देयर लाइफ, सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। ऐसे अचीवर्स को देखना, उनको अवार्ड मिलते हैं, इट फील्स रियली ग्रेट। It's a very nice pageant and for the first time I'm a part of it and I'm very excited because we both are getting awards, so I think it's very exciting and as you should, the women who are empowered and who are achieving so much in their life, it's great to have them see you know achieve rewards like this, so it's a very nice reward. See, we women believe in perfection, but I think that imperfection is very beautiful. So, you know, I think I am imperfect, and you should. Everyone should not try to achieve perfection, but you should embrace your flaws and love yourself, and then you'll be perfect. Okay, इसके अलावा बहुत खुशखबरी भी आई है, जैन में आपकी शादी होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे, जो बहुत ही अच्छी न्यूज है, थोड़ा प्लानिंग के बारे में बताना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड है, प्लानिंग तो अभी चल रही है, बट जो फंक्शंस हैं वो 21st और 22nd को होंगे जयपुर में, बहुत एक्साइटेड है, सारी तैयारियां चल रही है, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, ये सारे फंक्शंस 21st को होंगे एंड देन वेडिंग रिसेप्शन 22nd। शीना बहुत तैयारियां कर रही है, शो के बीच में शूट करते, मैं तो फिर भी फ्री हुआ नहीं, लेकिन शीना शूट करते हुए बीच में इतनी तैयारियां उसके लिए कर रही है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। And very excited and वो wedding jitters चल रहे हैं, like we've come for this first appearance together, so it's very special. Thank you, thank you.
ओके, सबसे पहले परफेक्ट वुमन पेजेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कॉन्टेस्टेंट यहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन क्या है आपको? Yeah, first of all, I'd like to wish them all the best for this competition, and I hope the best woman wins this competition. And I think for me, the perfect woman is the one who knows how to carry herself with grace, and who knows what a woman is all about, and who knows how to stand up as a woman and be equal in this society. So, आज यहाँ पे जो कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया है, उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आई एम श्योर कि आप में वो कैपेबिलिटीज होंगी, वो टैलेंट होगा, और अब यहाँ से आई जस्ट विश द मे द बेस्ट वुमन विन दिस कॉम्पिटिशन. ओके, आपने भी जो स्प्लिट फिलहाल से शुरुआत की थी और यहाँ पर भी कंटेस्टेंट शुरुआत करने वाले अपने लाइफ की, क्या एक टिप शेयर करना चाहेंगे जो भी विनर होते हैं या फिर जो भी नहीं होते? यही टिप देना चाहूँगा कि जो भी आप कर रहे हैं जिंदगी में वो करते रहिए, और जो आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आई थिंक यू शुड जस्ट परस्यू दैट. तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आई एम श्योर यू लव दिस प्रोफेशन एंड यू लव मॉडलिंग और यू लव एक्टिंग. सो एज लॉन्ग एज यू लव योर प्रोफेशन, आई थिंक इट्स गुड एंड यू विल गो अ लॉन्ग वे. थैंक यू सो मच. मैं कहूँगी कि हमेशा हम लोगों को खूबसूरती से देखते हैं यूजुअली हमारे यहाँ पर जो पैजेंट्स होते हैं, बट आई थिंक दिस इज दैट वन पैजेंट जहाँ पर हम एक वुमन को इन टोटैलिटी देख रहे हैं, विच आई थिंक इज वंडरफुल. दैट इज व्हाई आई केम हियर फॉर दिस पर्टिकुलर पैजेंट, एंड आई एम सो थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल यू मीडिया मेंबर्स. आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन ऑन दैट साइड ऑफ द कैमरा ऑफ द माइक, एंड इट्स ओवरवेलमिंग आज कि मैं यहाँ पर इस तरफ खड़ी हूँ. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हु आर एक्चुअली हियर. एंड परफेक्ट वुमन मेरे हिसाब से कौन है? परफेक्ट वुमन मेरे हिसाब से वो है जो कि हर एक एक फैसेट ऑफ लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं. जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में फेमिनिज्म में लोग घुस गए हैं, विच आई डोंट सपोर्ट. आई सपोर्ट इक्वलिज्म. सो मुझे लगता है कंधे से कंधे मिला करके जो हर एक एक जिंदगी के हिस्से को मायने को समझ करके आगे बढ़े, वो परफेक्ट वुमन है. थैंक यू सो मच. The award will be yes, perfect style icon ka award, and that is very interesting because pehle kabhi mujhe koi style icon ka award nahi mila hai. So I'm excited to take the award, and I think this it's like this contestants, and I wish you know good luck to the winner. I mean, it's going to be a great platform. So yeah, I'm really excited to be here today. मूवी तो बहुत अच्छी है. फिलहाल आई एम विशिंग करणवीर के वी बेस्ट ऑफ लक बिग बॉस हाउस में, एंड ही इज इन द फिनाले. सो आई रियली रियली होप ही विंस, एंड आई एम वाउचिंग फॉर हिम. ऑल हिज फ्रेंड्स आर वाउचिंग फॉर हिम. आई एम श्योर ही इज गोइंग टू डू ग्रेट, एंड ही इज ऑलरेडी अ विनर. ही इज प्लेड विद सो मच क्लास. मैं सिर्फ करणवीर को देखती हूँ, और फिर उसके बाद आई थिंक दीपक. आई हैव नॉट वॉच्ड बिग बॉस, मेरी मम्मी देखती है, बट I think Deepak might also has a decent amount of chance. तीन वेब सीरीज आ रही है एक्चुअली. मेरी एक तो आ रही है मैरी मी स्ट्रेंजर, गोल्डी बेल प्रोड्यूस कर रहे हैं. दूसरी आ रही है शर्मन जोशी के साथ, शर्मन जोशी जो अभी टू डिजिटल में डेब्यू कर रहे हैं. और तीसरी एक थ्रिलर आ रही है. तो तीन वेब शोज आ रही है और दो फिल्म आ रही है नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर 2019. जी बिल्कुल. थैंक यू. थैंक यू. थोड़ा आगे आ जाइए यहाँ पर. Tomorrow is the grand celebration, that the 31st December, and we all look forward to a grand celebration, which shall be also perfect. May we please request the very ravishing and ultra-modern and very modern sensuous Miss
यार टू बी ऑनेस्ट एक लड़की जब वुमेन बनती है वो परफेक्ट हो जाती है मेरे हिसाब से. आई डोंट थिंक के इम्परफेक्शन कुछ नाम की चीज़ होती है. हर इंसान अपने हिसाब में परफेक्ट होता है. आई थिंक हर लड़की जब औरत बनती है वो परफेक्ट हो जाती है. राइट same yeah I think a woman is like you know she's a mother yeah she's already perfect yeah. I'm coming for the first time so I'm really excited because I don't know yeah abhi to main filhal andar gayi nahi hu pata nahi kya hone wala hai. Show nominated hai hamara and this is the third perfect achievers award. सो इससे पहले जो दो हैं वो हमने मिस किए हैं तो बट इस बार हमारा शो नॉमिनेटेड है. सो आई थॉट लेट्स गो एंड मे बी क्या पता हमारे शो को अवार्ड मिल जाए. शो अच्छा चल रहा है तो हमें भी उम्मीद है. मेहनत कर रहे हैं तो आई थिंक समबडी इज अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स राइट हियर. सो लेट्स होप फॉर इट. कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेटेड है अगर थोड़ा पता है? बेस्ट टेलीविजन शो के लिए नॉमिनेटेड है हमारा शो. लेट्स होप कि मिल जाए. अभी कुछ चार महीने हुए हमारे शो को. हमारा शो नया है. टी आर पी बहुत अच्छी जा रही है थैंकफुली और आई होप ऐसे ही चलती रहे. आई होप लोग शो देखते रहे. चार महीने में वी आर हियर. व्हाट व्हाट मोर वी कुड आस्क फॉर. इट्स एन ओवरवेलमिंग सिचुएशन राइट नाउ फॉर बोथ ऑफ अस एंड वी आर रियली हैप्पी. आई विश हमारे प्रोड्यूसर्स सोनाली मैम और आमिर सर आए होते तो और भी मजा आता. वुड हैव बीन बेटर बिकॉज़ सब शूट कर रहे थे और आर्टिस्ट्स भी नहीं आ पाए हमारे सेट से. बिग बॉस हमें देखने का टाइम नहीं मिला. आई डोंट फॉलो बिग बॉस. आई हैव नो आईडिया व्हाट्स हैपनिंग एट बिग बॉस. हम बट आई जस्ट वांट करण टू विन. आई डोंट नो व्हाई. लेट्स वोट फॉर करण. ओके थैंक यू सो मच. खाली विजुअल चाहिए. ये अवार्ड जो मिला है मुझे मेरे शॉर्ट फिल्म पानीपत के लिए मिला है. बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जो शॉर्ट फिल्म मैंने किया है वो एक सोशली रेलेवेंट फिल्म है और जो वाटर इश्यू पर आधारित है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये अवार्ड मुझे मिला है. परफेक्ट वुमन ने मुझे ये अवार्ड दिया है और अक्नॉलेज किया है इस स्पेशली इस सोशली रेलेवेंट कॉज को लेकर. तो जो आपकी शॉर्ट फिल्म थी उसको बहुत ज़्यादा सराहना मिली. मतलब जो ऑडियंस थी जो सोशल रिलेवेंट सब्जेक्ट में बिलीव करती है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी होती है जब इस तरह के सब्जेक्ट को लोग सराहते हैं? बहुत ही अच्छा लगता है. खुश होती हूँ मैं क्योंकि स्पेशली जब ये फिल्म मुझे आई थी शॉर्ट फिल्म जब मेरे डायरेक्टर जय मेहता जो ये फिल्म लेकर आए थे तो आई वॉज एक्सट्रीमली मूव्ड जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी फिल्में बने और लोग देखें उसे पसंद करें और स्पेशली पीपल यू नो जो अक्नॉलेज करते हैं. सो यू फील गुड. इट रीचेस टू अ लार्जर ऑडियंस एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स एक्सट्रीमली. देर आर टू प्रोजेक्ट्स बट इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट. दे ऑलरेडी शॉट एंड एक इंग्लिश फिल्म है और एक हिंदी फिल्म है. सो आई एम वेटिंग. जब व्हेनेवर इट हैपेंस आई विल टॉक अबाउट. Thank you. Thank you so much.